तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 है, अभी आपको दी है, इक्वी पोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। तो देखो, मान लो आपके पास बहुत सारे कुछ चार्जेस हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन चार्जेस से बहुत दूर बनानी है। अब हर चार्ज क्या बनाता है? स्फीयर। अब कलेक्शन ऑफ चार्जेस से बहुत दूर अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको ये एक ही चार्ज नजर आएगा दूर से, क्योंकि कलेक्शन ऑफ चार्ज बहुत बहुत दूर है डॉट 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 डॉट, तो वो एक ही नजर आएगा, इट्स अ पॉइंट चार्ज। तो इसकी पॉइंट चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या बनेगी? ये कंसेंट्रिक स्फीयर। तो इसका आंसर क्या होगा? स्फीयर ही बनेगी। फिगर शोज सम इक्वी पोटेंशियल लाइन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो पहली फिगर में ए से बी पे लेके गए चार्ज को, दूसरी में ए से बी पे लेके गए, नेक्स्ट में ए से बी पे लेके गए। तो आपको यह बताना है वर्क डन की वैल्यू तीनों में क्या होगी, किसमें बड़ी किसमें छोटी होगी। देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट फिगर है उसमें ए 20 वोल्ट पे है और बी 40 वोल्ट पे है। इसके अंदर भी ए जो है वो 20 वोल्ट पे है और बी 40 वोल्ट पे है। इसमें ए 20 वोल्ट पे और बी 40 वोल्ट पे है। तो अगर आप चार्ज को ए से बी पे लेके जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हर केस में विल रिमेन सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन की वैल्यू भी सेम है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें एक बार प्लीज। इन कितने लोग समझ में आ गया? ये देखो, एक ना पॉइंट चार्ज है, क्यू सेंटर पे है, तो सेंटर पे है, तो मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल की वैल्यू इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे हर पॉइंट पर विल रिमेन सेम, इक्विडिस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल सेम है ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, तो अगर मैं किसी चार्ज को ए से बी पे लेके जाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी क्या आएगा? जीरो। अगर मैं ए से सी पे लेके जाऊं तब भी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ए से डी का जीरो, ए से ई का जीरो। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर ए से लेके हर पॉइंट की जीरो है, तो इसलिए वर्क डन की वैल्यू भी जीरो है हर केस में। ठीक। नेक्स्ट है, ये हमने अभी करना है, दो मिनट रुको, अभी अगली शीट में आएगा ये। इस क्वेश्चन का आंसर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एज शोन, देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा? नॉट जीरो? नहीं, ये कर नहीं पाएंगे अभी, ये नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली कंडक्टर के अंदर भी कांस्टेंट रहता है, ये अभी हमें थ्योरी करनी है, ये नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है कर पाए, देखना जरा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर, ये री कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है।
देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या कि ये पॉजिटिव, ये लार्ज शीट्स हैं, ये सिग्मा का मतलब शीट है क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, ये भी एक शीट है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो शीट में इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी नेगेटिव पे, खत्म होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी नेगेटिव पे, खत्म होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव, पॉजिटिव स्टार्ट होके नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, बात खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक,